हेलो दोस्तों, मैं हूं बीके सर। आज आपको बताने जा रहे हैं अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग का वर्णन करना है, वो भी विज्ञान से संबंधित है। और मैं क्या कराने जा रहा हूं, फिजिक्स कराने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2022 का है विज्ञान, और इसमें फिजिक्स कराने जा रहे हैं, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में हमने बना दिया है। पहला ये क्वेश्चन सभी बना दिए हैं, पहला क्वेश्चन बना दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, जो अवतल दर्पण किन्हीं दो उपयोग का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग का वर्णन कीजिए। तो पहला, देखिए दो उपयोग पूछ रहा है, लेकिन हमने चार उपयोग लिख दिया है। नाई का शीशा आप लोग ने देखा ही होगा, जैसे आप लोग बाल काटते हैं, नाई के शीशा वो उसमें देखता है चेहरा, तो वो भी उपयोग करते हैं। गाड़ी की हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट भी आप लोगों ने देखा है। सोलर कुकर भी देखा होगा, और टॉर्च लाइट में टॉर्च भी देखा होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। चलिए अगला देखिए, अब दूसरा ख वाला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं दो का। दीर्घ दृष्टि क्या है, दोष क्या है, निवारण कैसे करते हैं? दीर्घ दृष्टि आपका क्या है और उसका निवारण कैसे करते हैं? तो दीर्घ दृष्टि वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को अस्पष्ट रूप देख सकता है, परंतु वह निकट की रखी वस्तुओं को अस्पष्ट नहीं देख पाता, और इसका निवारण उत्तल लेंस द्वारा किया जाता है। क्लियर है? हम जानते हैं कि भाई हम दूर की वस्तु देख लेंगे, लेकिन पास रखी वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। यही आपका दीर्घ दृष्टि दोष का दीर्घ दृष्टि दोष है, और इसका निवारण उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। भाई हम दूरिया वस्तु रखी रहेगा तो उसे देख लेंगे, लेकिन पास की रखी वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं, धुंधला दिखाई देने लगता है। तो समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 का कर लेके आए हैं। 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसे किस रूप में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। भाई कितना है? 2 ओम है, और आपका 3 ओम है, और 4 ओम है। किस क्रम में जोड़ा जा रहा है? समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो भाई इसे हम R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं, और इसे R3 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब कितने इस संयोजन को इससे जोड़े जाता है, जिसमें जोड़ा जाता है, अब कितने वोल्ट की बैटरी होती है? 24 वोल्ट की बैटरी होती है। ये 24 वोल्ट की बैटरी होती है। तो ध्यान दीजिए, हमें निकालना है धारा की गणना कीजिए। हमें धारा, इसमें जो प्रवाहित धारा आपको निकालना है, I I निकालना है, I बराबर क्वेश्चन मार्क। तो लेकिन इसके पहले हमारा सूत्र तो ये होता है। सूत्र क्या होता है? ये होता है कि भाई आपको धारा बराबर होता है V बटा R होगा। तो क्लियर है, ये होगा, लेकिन पहले हमें R चाहिए। तो भाई समांतर क्रम में जोड़ा गया, समांतर क्रम का सूत्र ये होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्योंकि 3 स्टेप था, इसलिए हमने 3 स्टेप ही लिखा है। और भी सूत्र लिख सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर इच्छा है। ध्यान दीजिए, 1/R बराबर R1 कितना है? 2 ओम, R2 कितना है? 3, और R3 कितना है? 4। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 12, एलसीएम आएगा तो 2 2 6 12, 6 बार जाएगा, 6 1 6 प्लस, और 3 6 12, 4 बार जाएगा तो 4 1 4 प्लस, शर्त यहाँ 12, 3 बार जाएगा तो 3 1 3 जुड़ जाएगा, 6 4 10, 10 3 13, कितना आ जाएगा? 1/R बराबर 6 4 10 3 13 बटा 12। अब भाई इसे उल्टेंगे तो ये भी उल्टेगा, तो R अगर हम क्या कर दें, R बटा 1 कर दें, तो ये भी क्या हो जाएगा? 12/13 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? मतलब जो हमारा आंसर आया, आर की वैल्यू 12/13 आ गया। ये प्रतिरोध मतलब ओम है ना। अब हमारा जब ये आ गया तो हम निकाल सकते हैं क्या भाई, आई निकाल सकते हैं। आई बराबर बी कितना है? बी आपका 24 वोल्ट है, बटा आर कितना है? 12/13 है। तो ध्यान दीजिए, 12/13 लिखेंगे तो उलट जाएगा, गुणांक में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 13/12 हो जाएगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 13/12 हो जाएगा। तो 12 1 12, 12 2 24, तो आई की वैल्यू जो आएगा, 13 2 26 आपका एम्पियर आएगा। 13 2 26, 13 2 26 एम्पियर आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा छोटा सा क्वेश्चन। और 4 नंबर का है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि कितने का है, 4 नंबर का है, 4 नंबर आप पा जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते देखते हैं। आपका तीसरे का क नंबर, तीसरा का जो क है, उसमें आपका हमने 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ा गया, ये वाला सवाल तो करा है, लेकिन अथवा करके दिया है ये क्वेश्चन। अथवा वाला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ये भी 4 ही नंबर का है, तो चाहे उसे करिएगा चाहे इसे करिएगा, आराम से देखिए। भाई 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकेंड, भाई कितना टाइमिंग कितना दिया है हमें? टाइमिंग, जो टाइम दिया है प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड है।
क्लियर है? प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 100 जूल, 100 जूल आपको दिया है, मतलब 100 जूल दिया है, उष्मा उत्पन्न करता है, उष्मा को एच से दर्शाया जाता है, तो एच बराबर आपका 100 जूल दिया गया है, क्लियर है? और हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। आपसे विभवांतर मतलब विभवांतर पूछ रहा है, मतलब आपको वी पूछ रहा है, वी वी बराबर क्वेश्चन मार्क, विभवांतर पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, जब तक हमें विभवांतर का सूत्र होता है वी बराबर आई इंटू आर होता है, लेकिन जब तक हमें वी पता नहीं होगा, जब तक हमें आई पता नहीं होगा, तब तक हम वी निकाल ही नहीं सकते। भाई आर तो दिया है 40, प्रतिरोधक 40 दिया है आपका, आर दिया है, आर आपका दिया है कितना, 4 ओम, सॉरी दोस्तों 4 ओम दिया है, तो 4 ओम प्रतिरोधक दिया है, लेकिन क्या है कि अभी हमें आई नहीं पता है, तो आई बराबर सूत्र क्या होगा, या तो आप जानते हैं एच बराबर सूत्र जो होता है आई स्क्वायर इंटू आपका क्या होता है, आर इंटू टी होता है, आर इंटू टी होता है, तो अब इसी से निकाल लीजिए भाई, आई इधर ही रहेगा, ये दोनों इधर आएंगे तो बट्टे में हो जाएंगे, आर इंटू टी बराबर आई स्क्वायर होगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कर्णी लगेगा, एच बटा आर इंटू टी बराबर आई, क्लियर है? ये हो जाएगा। तो हमें पता है क्या, हमें ये पता है कि एच की वैल्यू पता है भाई, 100 जूल है, तो 100 रखिए, बटा आर भी पता है कितना है, 4 ओम है, और गुणते प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड आपका समय भी पता है, बराबर आई। तो ध्यान दीजिए, 100 में से आपका 10 निकल जाएगा, 10 100, आप करणी में से क्या निकाल देंगे, 10 निकाल दीजिए, एक बार एक स्टेप बढ़ाइए, इसमें से आपका 4 है, 2 निकलेगा बराबर आई, अब 2 1 2 2 5 10 मतलब 5 एम्पियर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, धारा आ जाएगा। जब धारा 5 एम्पियर आ गया तो हम निकाल सकते हैं विभवांतर भाई, तब क्या होगा, तब बी बराबर होगा, आई की वैल्यू पता हो गया 5 एम्पियर, और आर की वैल्यू आपको पता है कितना है, 4 ओम। देखिए तो 5 गुना क्या होता है, 10, ओ सॉरी 5 और 20 होता है, 5 और 20 विभवांतर वोल्ट, 20 वोल्ट आपका विभवांतर ज्ञात करना था, विभवांतर 20 वोल्ट आएगा, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, तो लाइक सब्सक्राइब तो करते ही रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, ये आपका तीसरे का ख नंबर करवा रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ध्यान दीजिए अभी लिख दे रहे हैं, पहले आपको सवाल करवा रहे हैं। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु स्थित है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, क्लियर है? अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण जानते हैं सभी निगेटिव होता है, मतलब जो आपका यू की वैल्यू आएगा, क्योंकि एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, मतलब यू की वैल्यू जो है आपका ये क्या होगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर है? क्योंकि सभी निगेटिव होते हैं, वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, प्रतिबिंब की दूरी आपका क्या होगा, बी की वैल्यू भाई 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी निगेटिव होगा, क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में सभी निगेटिव होते हैं, तो ध्यान दीजिए बनता है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या हमसे पूछ रहा है, मतलब आर पूछ रहा है, तो आर तब पता होगा जब एफ की वैल्यू पता होगा, तो हम जानते हैं कि भाई 1/V+1/U बराबर 1/F सूत्र होता है एफ निकालने के लिए, तो यू की वैल्यू आपका कितना है, 1/-20 है, वी की वैल्यू कितना है, 20 है माइनस, और प्लस यू की वैल्यू -10 है, तो प्लस माइनस क्या होगा, यहां पर माइनस कर दीजिए, 1/10 बराबर 1/F, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, बी सी आएगा, और 20 1 20 एक बार जाएगा, 1 × 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस माइनस 10 × 20 2 ही बार 2 1 कब 2, तो ध्यान दीजिए कितना आ जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, -3/20 हो जाएगा, क्लियर है, -3/20 1/F, तो ध्यान दीजिए जब इसे उल्टेंगे तो ये भी उल्टेगा, तो 20/ क्या हो जाएगा, -20/3 बराबर ये क्या हो जाएगा, ये भी उल्टेगा तो एफ हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 1 3 है, 3 6 18 और 2 बचे, पॉइंट लगाएंगे 6 18 मतलब -6.6 आपका एफ आएगा, एफ आ गया कितना, -6.6। अब हमें आर निकालना है,
तो आर निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आर बराबर सूत्र होता है, आर बराबर सूत्र होता है 2F होता है। तो आर बराबर आपका सूत्र 2F होता है, तो 2 × F की वैल्यू पता है -6.6 कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 12 का ही 2 और 2 × 6 = 13, 2 × 6 = 12 का ही 2, 2 × 6 = 13 और पॉइंट का स्थान बाद, ये आपका आर की वैल्यू जो आएगा 13.2 आएगा। तो ध्यान दीजिए ये वैल्यू ऋणात्मक आएगा, तो आपको कोई भी वैल्यू बताया जाता है तो उसे पॉजिटिव बताया जाता है, तो आप पॉजिटिव लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूं। अभी आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम बता देते हैं, दो नियम बता दे रहे हैं। जब देखो सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो वह सॉरी जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है किसी समतल पृष्ठ पर पड़ती है। देखो भाई सूर्य का प्रकाश, ये आने वाली किरण ये जाने वाली किरण, अब इसके बीच क्या होता है अभिलंब होता है, समझा। तो देखो आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण और जाने वाली किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण, बीच में अभिलंब होता है। तो जब सूर्य का प्रकाश, मान चलिए यहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यहाँ का सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जब सूर्य का प्रकाश किसी किसी समतल पृष्ठ पर टकराता है तो किसी समतल पृष्ठ पर टकराने के बाद वह क्या होता है उसी दिशा में वापस लौट जाता है ना, इसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। लेकिन इसका बोला है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, तो नियम आपको आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला सुन लीजिए, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, क्लियर हुआ। दूसरी बात, आपतन कोण, इसे इस बीच के कोणवा को हम बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम, पहला नियम हमने क्या होता है आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बिल्कुल ईजी है, आप इसका नियम लिख सकते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं अगला वीडियो भी बनाऊंगा, आपको हर विषय का बनाऊंगा जिससे आपका मॉडल पेपर क्लियर रहेगा, तो आप एग्जाम में बढ़िया नंबर पाएंगे। इसी के साथ